नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार, एंटी हेट स्पीच कानून हो रहा तैयार। अमरावती मर्डर केस में पुलिस का दावा, नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर हुई थी उमेश कोल्हे की हत्या, 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड में भेजे गए आरोपी। अमरावती किलिंग में नागपुर में कट्टरपंथियों के डर से युवक ने छोड़ा शहर, नूपुर शर्मा के समर्थन में किया था पोस्ट, मिल रही थी धमकियां। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई सहित नागपुर और अन्य शहरों पर एनडीआरएफ तैनात। विधानसभा में भाषण देते भावुक हुए एकनाथ शिंदे, बोले मैं गद्दार नहीं। 1 जुलाई से ठाणे जिले में औसत 303 मिलीमीटर बारिश हुई। उमेश कोल्हे मर्डर केस, एनआईए को हुआ ट्रांसफर, गिरफ्तार सभी आरोपियों की मुंबई कोर्ट में 8 जुलाई को होगी पेशी। भारी बारिश के बीच मुंबई के जलाशयों में बढ़ा जलस्तर, जलाशयों में जमा हुआ 15% पानी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूरे हफ्ते का पूर्वानुमान। कंगना रनौत पर मानहानि मामले में चल सकता है मुकदमा, मुंबई की अदालत में बंद कमरे में हुई सुनवाई, गीतकार जावेद अख्तर ने दर्ज कराई थी शिकायत। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ 11 जुलाई को करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर डराया, बीते 24 घंटों में 1,515 नए केस, 3 मरीजों की मौत। बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दे मुस्लिम, बदरुद्दीन अजमल की बड़ी अपील। शिंदे सरकार के राज्य में पीएम मोदी की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख, जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ा रोड़ा। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद सीएम शिंदे हुए भावुक, बोले शिवसेना के साथ काम करते हुए मैंने 2 बच्चों को खोया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के नाम बड़ी उपलब्धि, 90% वैश्विक आबादी को टीके की दोनों डोज लगी। सुरक्षा बलों को भीड़ नियंत्रण और मनोविज्ञान की मिलेगी ट्रेनिंग, हाल में हुए बवाल के बाद हरकत में आया रेलवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में की शिरकत, बोले दुनिया को दिशा दे रहा भारत। एनआईए प्रमुख ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, उदयपुर अमरावती में हुए हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद कुछ देर बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने काले गुब्बारे छोड़े, इसका वीडियो एनआईए पर शेयर किया गया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषणी और जेनेसिस का भी किया उद्घाटन। शिंदे फ्लो टेस्ट में हुए पास, सरकार को 164 विधायकों का समर्थन, विरोध में 99 वोट, 21 एमएलए गैर हाजिर, बच्चों को याद कर भावुक हुए सीएम। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में गूंजे ईडी ईडी के नारे, फडणवीस सदन में बोले हाँ अब ईडी सरकार, ई मतलब एकनाथ शिंदे, डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी शिवसेना में दुश्मनी की वजह, आरए मेट्रो कार सेट, उद्धव ने 2019 में सीएम बनते ही फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद किया, शिंदे फिर लाए। आंखों के सामने बच्चों को डूबने की घटना को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम शिंदे। आईआरसीटीसी ने कैंसिल कर दी दिल्ली यूपी बिहार समेत कई जगहों को जाने वाली 171 ट्रेनें। ममता का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में मोदी सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, सीएम एकनाथ शिंदे की घोषणा, वैट कम करेगी सरकार। खाली हाथ रह गया उद्धव गुट, अजीत पवार को चुना गया महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ हमारी सरकार ईडी की वजह से बनी है। दरअसल फडणवीस ने विधानसभा में वोटिंग के दौरान कहा ईडी ईडी, फडणवीस ने विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी ईडी के नारे लगाए, जाने पर नाराजगी जताई और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि हाँ महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। फडणवीस ने कहा कि ईडी का मतलब ई यानी एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस,
साथ ही फडणवीस बोले कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाया हूं। फडणवीस ने कहा कि लेकिन मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। एक गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते।